Hello dear students, very good morning to everyone. So today we are going to discuss about some another topics in this chapter. So firstly we are going to discuss about endangered animals, or we can say that endangered species. So endangered animals hote kya hai, endangered species kya hai? So species that are at high risk of getting extinct in near future due to decline in their number and drastic change in habitat are called endangered species. Means ऐसे species जो विलुप्त होने की कगार में हैं, extinct होने की कगार में हैं, मतलब धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं endangered species और endangered animals. Okay, for example हम अगर बात करते हैं endangered animals की, तो firstly आपका Asian elephant, okay, आपका ब्लू वेल, ओके, आपका एशियाटिक लायन, ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ये ख़त्म होने की कगार में है, विलुप्त होने की कगार में है, ठीक है. सो एंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिशिंग एंड माइट फेस एक्सटिंक्शन. ओके, मतलब जिनके नंबर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और हो सकता है कि वो विलुप्त भी हो जाएं. ओके, सो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनके हैबिटेट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. अभी आपने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, पिछली वीडियो में हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक मेजर कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का. अगर घर ही नहीं रहेगा, फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो ये एनिमल्स ऑब्वियसली है क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ओके, सो टाइगर इज वन ऑफ मैनी एनिमल्स विच आर स्लोली जो है डिमिशिंग हो रहा है. टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन आर कंट्री द गवर्नमेंट लॉन्च द प्रोजेक्ट टाइगर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर पॉपुलेशन. ओके, सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रही है, ताकि कि जो ये एनिमल्स हैं इनको हम कंजर्व कर सकें. ओके, डायनासोर्स जो है वो आपका पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है. ओके, डायनासोर अब नहीं है, क्योंकि वो एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है. ओके, सो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स अब जो फाउंड नहीं होते हैं अर्थ में, ठीक है, तो उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं. अब डायनासोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो डायनासोर्स जो हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ, एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट अर्थ कूल्ड सडनली एंड द डायनासोर्स कुड नॉट एडजस्ट टू द सडन चेंजेस इन द क्लाइमेट, सो ऑल ऑफ देम डाई. फिर क्या हो गए, वो डाई हो गए. ओके, और फिर धीरे धीरे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए. सो ऐसे आपका डोडो बर्ड है, डोडो बर्ड भी क्या एक्सटिंक्ट स्पीसीज है. ओके, सो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होते, वो है स्पीसीज हैं जो अब एक्सटिंक्ट होने की कगार में है, मतलब इनकी जो संख्या है उनमें इतनी कमी आ चुकी है. ओके, नेक्स्ट वन इज एंडेमिक स्पीसीज. अब एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं, एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं. ओके, किसी पर्टिकुलर जगह में वो फाउंड होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो फाउंड होते हैं, हर जगह वो नहीं मिलते हैं. ओके, सो जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन है, एक एंडेमिक स्पीसीज है, ये एंडेमिक है, ये एक्वाटिक एनिमल दैट लिव्स ओनली इन द रिवर गंगा. ओके, साल एंड वॉइल्ड मैंगो आर द एंडेमिक फ्लोरा जो कि पाया जाता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर में, रिजर्व में, जिसके बारे हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये सब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं. ओके, एशियाटिक लायन है आपका, वो एक एंडेमिक स्पीसीज है जो कि आपका गिर नेशनल पार्क गुजरात में मिलता है. ओके, लायन टेल मकाओ
जो फाउंड होता है ओनली साउथ वेस्ट इंडिया में, तो ये भी एक एंडेमिक स्पीसीज़ है। तो एंडेमिक स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होते हैं, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट एंडेमिक स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट एनिमल। सो एक्सटिंक्ट एनिमल, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस लिव्ड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मीन्स वो स्पीसीज जो कि प्लांट्स एनिमल जो अब डाई हो चुके हैं कम्प्लीटली, अब नहीं मिलते हैं अर्थ में, अब हम सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे डायनासोर्स के बारे में अब हम सिर्फ पढ़ते हैं क्योंकि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, हमने डायनासोर नहीं देखा है। ओके, डायनासोर क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। इसके क्या मिले साइंटिस्ट को, जो है साइंटिस्ट ने क्या बिलीव किया कि अर्थ जब कूल हुई, जब ठंडी हुई तो सडनली चेंज हुआ, जो कि एक क्लाइमेटिक चेंज था, डायनासोर उस क्लाइमेटिक चेंज में एडजस्ट नहीं हो पाए और क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। ओके, तो इस तरह से वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अब वो अर्थ पे नहीं फाउंड होते। ओके, नाउ रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक में जो आपके सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, ओके, उसका एक रिकॉर्ड है। सो द बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो रिकॉर्ड रखती है एंडेंजर्ड एनिमल्स का और आपके इंडेंजर्ड एनिमल्स हो गए, आपके इंडेंजर्ड प्लांट्स हो गए एंड अदर स्पीसीज, तो उस बुक को कहते हैं रेड डेटा बुक। ओके, एंड इसमें आपको देयर आर डिफरेंट रेड डेटा बुक्स फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज, और रेड डेटा बुक इज़ बीइंग पब्लिश्ड इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज एंड प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीसीज के बारे में, आपको इसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो रेड डेटा बुक जो है, जो फर्स्टली रेड डेटा बुक पब्लिश हुई थी वो 1991 में हुई थी। रेड डेटा बुक ऑफ एनिमल्स जो पब्लिश हुई थी वो 1991 में पब्लिश हुई थी। और इसमें क्या होता है, रेड डेटा बुक में क्या है, रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखती है ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स प्लांट्स एंड अदर स्पीसीज का। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज एंड एंडेमिक स्पीसीज and red data book. Thank you so much, everyone.